हे गाइस, दिस इज चंद्रकांत कुमार बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों ही करने वाला हूँ फेवर कैसल के। काफ़ी चीप पेंसिल है जिस पे लिखा है फेवर कैसल सिंस 1761 सिक्स ड्राइंग पेंसिल्स फॉर ड्राइंग स्केचिंग एंड हैचिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। तो बात आती है इस पेंसिल की, तो मैंने ये पेंसिल बाय किया था, पास के एक स्टेशनरी शॉप है, तो ये मुझे पड़ा था 45 रुपीज़। यहाँ पे MRP भी आप देख सकते हैं, 45 रुपीज़ है। इसकी पैकेजिंग भी यहाँ ठीक ही ठाक है पैकेजिंग। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसे ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह की पेंसिल होती है जिस पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ब्लैक मार्क अगर से बंदा को फटते हैं। तो आप लोग इसे 45 रुपीज़ में ले सकते हैं कोई भी स्टेशनरी शॉप में। ये पूरी सही ओरिजिनल नई कंडीशन में है। और जो ये पेंसिल के साइज है, ये है एक पेंसिल के 17.5 सेंटीमीटर की है, मतलब सारे पेंसिल की 17.5 सेंटीमीटर की हाइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 6 पेंसिल्स हैं, जिसकी है जिसमें है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 8B, जो सबसे डार्क होते हैं। तो मैं सबसे पहले हर पेंसिल के दो दो शेड्स बनाऊंगा, पहला लाइट प्रेशर अप्लाई करके और दूसरा बिल्कुल हैवी प्रेशर के साथ। मैं सब में बिल्कुल ही सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, किसी में भी ज़्यादा किसी में कम ऐसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पूरा सिस्टमेटिक वैसे कर रहा हूँ। अब है 5B। ये पहले मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूँ, इसके बाद में डार्क शेडिंग करूँगा। अब आती है बारी 6B की। मैं बिल्कुल ही ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब बारी आती है 8B की।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट प्रेशर के अप्लाई करने के साथ ठीक ही है, लेकिन मुझे ये थोड़ा फेड लग रहा है 3B। तो 3B को एक बार और चेक करते हैं यार। लेकिन 2B इसमें ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे। अब मैं पूरा हैवी प्रेशर का अप्लाई करके करूँगा, फिर चेक करते हैं कि इसमें कितना डार्क है। तो यहाँ तो 2B में ही बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 2B में। अब 3B की हैवी प्रेशर लगा के तो मुझे यहाँ 3B की कुछ पॉइंट लगी, यहाँ पे वो 2B से कम डार्क है, जबकि 2B से ज़्यादा डार्क होना चाहिए। अब देखते हैं 4B को, 4B किधर है या तिनोक, 4B इधर है। ठीक है, ये इतना ठीक है, चलेगा ये। ये 5B है, 5B पूरा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1B हल्का नहीं छोड़ रहा हूँ, जितना हो सकता है इसमें जितना प्रेशर लग सकता है। अब बारी है 6B की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2B है, 2B और 3B में मुझे 2B ज़्यादा डार्क लग रही है, आप भी देख सकते हैं। और ये जो मैंने लाइट प्रेशर का अप्लाई किया है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस तो नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, मगर जो मैंने हैवी प्रेशर अप्लाई किया है उसमें मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन 8B में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, 8B काफ़ी ज़्यादा काला है, ब्लैक उसमें, 8B सही है हेयर्स ये सब के लिए। तो अब मैं ब्लेंडिंग करके दिखाता हूँ। कैसा ब्लेंडिंग होता है, वैसे ब्लेंडिंग तो पेपर में भी डिपेंड करता है कि पेपर कितना सॉफ्ट है या रफ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो पेपर है वो आइवरी शीट की सॉफ्ट वाली साइड में यूज़ कर रहा हूँ,
सॉफ्ट वाले साइड कैसे ये ब्लेंड होता है आप देख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मुझे ये दोनों काफ़ी हद तक सेम लग रही है, और ये दोनों 2B और 5B भी लगभग सेम लग रही है, और 6B और 8B में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 8B ज़्यादा डार्क है और ये 6B तो है ही कम है। तो मैं इससे रिलेटेड एक अपनी स्केच दिखाना चाहता हूँ कि इस पेंसिल से कैसी स्केच बनती है। तो मैंने रिसेंट में ही एक स्केच बनाया था जो कि है ये स्केच, ये वाला सुरेश रैना सर की। तो ये मैंने उसी पेंसिल से बनाया था, यही पेंसिल का यूज़ करके मैंने बनाया था। और भी काफ़ी सारी मैंने बनाई हुई है, जैसे कि ये कमीशन वर्क थी, ये भी एक कमीशन वर्क है, और ये मैंने बनाई थी एक इसी पेंसिल का यूज़ करके। और ये भी इसी पेंसिल का यूज़ करके बनाया मैंने, ये भी आपने देखा ही होगा, मेरे YouTube चैनल पे इसकी वीडियो भी है, सारी स्केचेस की वीडियो है डाली हुई है मैंने। और ये नरेंद्र मोदी का है। तो ये मैंने उस वही पेंसिल यूज़ करके बनाया हुआ है, यही पेंसिल यूज़ करके बनाया हुआ है। इसकी वीडियो मैं कर रहा था तो गलती से डिलीट हो गया, तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। और भी काफ़ी सारे मैंने स्केचेस बनाई है, जैसे कि ये MS धोनी वाला तो आपने देखा ही होगा मेरे YouTube चैनल पे। तो मेरी ओपिनियन यही है कि अगर आप बिगिनर हो तो ये पेंसिल आपके लिए काफ़ी हद तक सही है, सही रहेगी आपके लिए। मैं जो वो सर स्केच बनाया हूँ सारा यही पेंसिल यूज़ करके बनाया हुआ है। ओवरऑल ये पेंसिल बिगिनर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है, नहीं तो आप अगर आपको कमीशन वर्क आते हैं तो आप हायर लेवल पर जा सकते हैं, जैसे कि स्टेडलर्स का हो गया और टॉम्बो का हो गया, और भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना, और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।